रायपुर में सहायक शिक्षकों ने एक सूत्री मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों का कहना है कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर की जाए। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर उन्हें कई बार धरना प्रदर्शन भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आश्वासन पर आंदोलन को खत्म भी किया गया था और 90 दिनों के लिए उन्होंने कमेटी का निर्माण किया था, लेकिन 11 महीने बीत जाने के बाद भी कमेटी का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। ये एक दिवसीय आंदोलन है। आने वाले समय में सितंबर माह से हम अनिश्चितकालीन की ओर जाएंगे और इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि आपने गंगा जल की झूठी कसम तो जरूर खाई है। 10 दिन में निमितीकरण की बात आपने कहा था, यदि आप निमितीकरण नहीं करते तो आपकी सरकार पक्का हम लोग छीनने वाले हैं, सत्ता से उखाड़ने वाले हैं आपको। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन मनीष मिश्रा जी के हमारे सानिध्य में हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इससे पहले हमने 18 दिनों तक हमने ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को अनसुना करते जा